हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों वीडियो बहुत छोटा सा है तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। जीरा आलू की रेसिपी है जो कि आप व्रत में खा सकते हैं। हमारा भी आज उपवास है, आज चतुर्थी है, तो हमने बनाए हैं और आप वीडियो पूरा देखिए। बहुत छोटा सा वीडियो हमने बनाया है आपके लिए। तो देखिए मैंने आलू उबाल लिए हैं, छोटे आलू हैं तो इसे हाथ से फोड़ने की या काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर हमने लिए कढ़ाई, फटाफट से बना के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ रिफाइंड आपको हो जाए तो उसमें जीरा डाल दीजिए। पूरा एक चम्मच जीरा आपको डालना है। आलू हमारे आधा किलो से भी कम है तो जीरा को चटकने देते हैं। जब जीरा आपका चटक जाए तब इसमें टमाटर ऐड कीजिए। टमाटर मैंने एक बड़ा टमाटर काटा है, आपके पास छोटे टमाटर है तो दो ले लीजिएगा। अब इसी समय हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया। हरा धनिया हमने काट के रखा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये रेसिपी ऐसी है कि बहुत जल्दी और फ्लावर बन जाती है, इसे आप रूखा ही खा सकते हैं। इसमें पूरी के साथ खाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ये आलू ऐसे बनते हैं और हल्के से मीठे और चटपटे बनते हैं। टमाटर की वजह से मीठा बनाता है और चटपटा हम मसाले जो यूज़ करते हैं इसमें। तो मसाला कुछ भी नहीं यूज़ करता है नॉर्मली। इसमें आपको दिखाएंगे हम क्या क्या यूज़ करना है। इसमें बहुत आसान है बनाना और कभी भी आपका उपवास हो, व्रत हो, व्रत ना भी हो तो भी आप पूरी के साथ खा सकते हैं। और अगर उपवास है तो ऐसे आप आलू बनाइए, कभी भी खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं ये आलू। और आलू बड़े बड़े हैं आपके पास तो उन्हें आप काट लीजिए उबालने के बाद। तो टमाटर जब गलने लगेगा हमारा तब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी टमाटर को फ्राई हमने कर लिया है बढ़िया तरीके से। अब इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं डालना होता है। अब इसको अच्छे से और भून लेते हैं थोड़ा सा। तो टमाटर का केचप जैसा टेस्ट आता है ना इस आलू में, बहुत बढ़िया लगता है। तो अब फाइनली टमाटर हमारे भून चुके हैं अच्छे से। अब इसमें आलू ऐड कर देते हैं और हमें करीब 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भूनना है। गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए और अच्छे तरीके से करीब 1 से 2 मिनट तक इसको भूनिए ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बढ़िया तरीके से हमने आलू को फ्राई कर लिया है और थोड़ा सा इसको हम चला लेते हैं। गैस हमारी अभी भी फास्ट है, फ्लेम हमने हाई रखा है गैस का। आलू हमारे बहुत बढ़िया तरीके से देखिए फ्राई हो रहे हैं और ये अभी रेडी है तो हम आपको दिखाते हैं परोस के। इसे आप चम्मच से ऐसे ही खा सकते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है पूरी के साथ खाने की। वैसे भी उपवास में सिर्फ आलू ही खाए जाते हैं, पूरी तो आप खा नहीं सकते। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बनाया ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखें। और जिन जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे सपोर्ट करते रहिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले अच्छे वीडियो के साथ और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप लोगों का।